हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज है ट्यूसडे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 4। तो जो है निकू को मैं कोचिंग छोड़कर आ चुकी हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टिक्कू जो बैठा हुआ है। तो अभी आजकल जो है मुझे उसे अपने संग में ही लेकर चलना पड़ता है क्योंकि टिक्कू अब काफ़ी मस्ती करने लगा है और अब बॉकर में भी नहीं बैठता है क्योंकि बॉकर भी वो है अब पलट लेता है, चीज को उठाने के लिए अब झुकता है तो जिससे बॉकर पलटने का काफ़ी डर रहता है। तो जो है उसका बॉकर आज मैं पैक करके रख दूंगी। टिक्कू जो है हमारे आजकल पकड़ पकड़ के भी चलने लगे हैं तो ये है कि वो कांच की टेबल को भी पकड़ के चलता है तो थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि कांच की टेबल है, कहीं उससे मतलब कांच की टेबल है तो लगने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि उसे अपने साथ में ही रखूँ या फिर वो सोए जब भी काम करें। तो आप देख सकते हैं टिक्कू हमारा आपसे बातें कर रहा है। तो यहाँ पर टिक्कू जी बैठे हुए हैं और साथ में ही आपको बता दूं आज रात के डिनर के लिए मैं सोच रही हूँ कि इडली बना लूँ। तो जो है छाछ मैं लेकर आई हूँ नीचे से सांची की। तो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर काफ़ी किराना स्टोर है तो वहाँ से मैं छाछ लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी इडली। तो चलिए मैं इडली को पहले फूलने के लिए, तो मुझे लगता नहीं है टिक्कू अब बातें करने देगा। तो चलिए मैं इडली को जो है रवे को अभी फूलने के लिए रख देती हूँ क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा उसे टाइम लगता है, तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है फूलने में। तो यहाँ पर जो है मेरे पास अभी जो इडली रवा है वो है नहीं है तो मैं सिर्फ जो है नॉर्मल डेली वेयर में जो यूज़ करती हूँ मैं उसी रवे की इडली बनाऊँगी। तो ये मोटा वाला रवा है तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये सांची का मठा है जो काफ़ी अच्छा आता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये खट्टा भी नहीं होता है ज़्यादा। यहाँ पर आप देखिए हमारे टिक्कू बना रहे इडली, जो उन्होंने रवे से हाथ गंदे कर लिए हैं। तो आजकल हमारा टिक्कू है जो काम नहीं करने देता है मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही परेशान करता है बिट्टू। नहीं देती हूँ और इसे फूलने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो जो है इडली काफ़ी फूली फूली बनती है और काफ़ी नरम बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी बज रहे हैं 4:30। तो यहाँ पर जो है मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ तो मैं 8 दिन में जो है अपने दोनों बेड की बेडशीट चेंज कर देती हूँ।
बेडशीट चेंज हो चुकी है, साथ में ही अब जो है मैं यहाँ पर लगा लूंगी झाड़ू। पर जो है मैंने झाड़ू लगा दी है और साथ में ही यहाँ पर जो है मैं नीचे बिछा रही हूँ गद्दा। तो यहाँ पर जो है टिक्कू के लिए मैं गद्दा बिछा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा सर्दी का मौसम है तो जमीन काफी ठंडी होती है, तो यहाँ पर नीचे बैठकर जो है टिक्कू आराम से खेल लेता है क्योंकि अब बौकर में वो काफी यहाँ पर परेशान करता है और उसे बौकर में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो मैं जो है सांभर बनाने के लिए रही हूँ और साथ में ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो और चाय से खाने के लिए मैं आज यहाँ पर सेक लूँगी पराठे। कभी कभी चाय से जो है पराठे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। यहाँ पर जो मेरी चाय और पराठा है बनकर तैयार, तो आप भी इंजॉय कर लीजिए और साथ में ही अब मैं चाय पीकर यहाँ पर लगाऊंगी सांभर में तड़का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टमाटर काट रही हूँ और साथ में ही रबे में मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा और साथ में ही नमक ऐड कर दूंगी और इनको मिलाकर मैं बनाऊंगी इसकी इडली। और यहाँ पर सांभर बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है, साथ में ही तेज पत्ते डाल दिए हैं और बाकी सूखे मसाले और टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ में ही यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है अमचूर पाउडर ऐड करूंगी तो सांभर थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल ही दाल का सांभर बनाती हूँ। यहाँ पर जो है मैं फिर इडली की ट्रे में ऑयल लगाकर इडली बनने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मैं इडली सांभर इसलिए जल्दी बनाकर रख रही हूँ क्योंकि इडली सांभर बनाने के बाद मैं और निक्कू जाएंगे रिलायंस मार्ट, तो मुझे वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, थोड़ी बहुत ग्रोसरी की ही शॉपिंग करनी है। यहाँ पर मैं और निक्कू आ चुके हैं रिलायंस मार्ट। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको 22 जनवरी से 26 जनवरी तक यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑफर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर प्रोडक्ट अधिकतर बाय वन गेट वन है, तो रिलायंस में भी काफ़ी अच्छी ऑफर आते हैं।
यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो कि कप हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे थे और काफ़ी सारी वैरायटी के डिज़ाइन थे। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बर्तन, तो मुझे तो मॉल के बर्तन काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, काफ़ी हैवी क्वालिटी के होते हैं और मुझे प्राइस भी उनका ठीक लग। रिलायंस मार्ट से आने के बाद यहाँ पर जो है मैं टिक्कू को खिला रही हूँ इडली, तो निक्कू की तरह टिक्कू को भी इडली काफ़ी पसंद है और वो काफ़ी शौक से खाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो खाना हमारा हो चुका है और साथ में ही बता दूं मैं गई हुई थी रिलायंस मार्ट, तो जहाँ से मैं थोड़ी ही शॉपिंग करके लाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से ही शॉपिंग करके लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। पर हाँ, बता दूं रिलायंस मार्ट में काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं और साथ में ही बता दूँ जो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। जो मैं वैवलक्ष्मी व्रत करती थी तो मुझे करना है उसका अध्यापन, पर किसी ना किसी कारण से जो है मेरा अध्यापन अभी टलता ही जा रहा है। पहले मैंने सोचा था मैं जनवरी में करूँगी, पर जनवरी में काफ़ी सर्दी पड़ रही थी और जो कि है पूस का माह चल रहा था, इस कारण नहीं कर पाई थी। फिर मैंने सोचा था 15 जनवरी के बाद करूँगी, पर 15 जनवरी के बाद भी जो है टिक्कू को काफ़ी सर्दी हो रही थी, इसलिए नहीं किया मैंने। माता रानी चाहेंगी तभी मेरा अध्यापन हुआ। कहते हैं ना, किसी चीज़ का मुहूर्त नहीं आता है जब तक वो काम नहीं होता है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। दो तीन शुक्रवार से मैं सोच रही हूँ, पर किसी ना किसी कारण से जो है मेरा अध्यापन टलता जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं फरवरी या मार्च में है जो अपना अध्यापन कर दूँ। ड्राइवर हैं ज्योति रघुवंशी जी, जिनकी बेटी काव्या का है हैप्पी बर्थडे 22 जनवरी को, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, गॉड ब्लेस यू और भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें और आपके लाइफ में नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के इस ब्लॉग को करना चाहूँगी यहीं पर एंड, और अगर आपको आज का मेरे ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।